नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। ईद उल अजहा यानी बकरीद के पर्व पर नगर सहित ग्रामीण इलाकों में अकीकत संग बकरीद की नमाज अदा की गई। जिले में 643 मस्जिदों व ईदगाहों पर नमाज अदा हुई। सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर शहर के बदरका ईदगाह पर एडीएम प्रशासन एसपी समेत जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर नमाज के बाद मुस्लिम बंदियों से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाहों पर मेले जैसा दृश्य था। इसी के साथ ही ग्रामीण इलाके मुबारकपुर, जियनपुर, सगड़ी, बिलरियागंज, फूलपुर, निजामाबाद, सरायमीर, दीदारगंज, अहरौला, अतरौलिया व मेहनगर थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें विशेष चौकसी बरती रही। एडीएम प्रशासन ने कहा कि 347 मस्जिदों व 296 ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई है। इसी के साथ ही 429 स्थान पशु की कुर्बानी के लिए चयनित किए गए। पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। सभी थाना अधीक्षक के साथ ही चौकी प्रभारी सीओ व एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है। अराजक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कुर्बानी के अवशेष हैं, उनको नगर पालिका व नगर पंचायतों को चिन्हित स्थलों पर किया जाना है, उसके बाद ही उसे इच्छित स्थान पर दफन किया जाएगा। आजमगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया गया है। पूरे जनपद में 347 मस्जिद में तथा 296 ईदगाह में नमाज अदा की गई है। इसके बाद लोग जाएंगे अपने घर पर कुर्बानी देंगे। परंपरागत से लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि लोग जो भी बाद में बचता है अवशेष, उसको नगर पालिका की गाड़ी पर नगर गाँव पंचायतों के जो ठेले रखे गए उसमें दे, उसको ले जाकर दफन की और आराम से जो है कहीं दाब दिया जाएगा। मिट्टी सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण इंतजाम है। आवश्यक स्थानों पुलिस पर लगाया गया है। साफ सफाई की चार चौबन व्यवस्था, सुरक्षा के साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।